कांग्रेस की डिजिटल टीम गुजरात चुनाव से पहले काफी सक्रिय नजर आ रही है। जब राहुल गांधी गुजरात दौरे पर थे तब उनकी सोशल मीडिया टीम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए विकास पागल हो गया है कैंपेन चलाया। कांग्रेस की नई डिजिटल टीम ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर खिंचाई की है। इस डिजिटल टीम में हाल ही में बदलाव किए गए हैं जिसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है दिव्या स्पंदना का उर्फ राम्या, जो टीम की हेड बनाया गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने आईटी एवं सोशल मीडिया सेल प्रमुख की अध्यक्षता में सभी राज्यों की आईटी एवं सोशल मीडिया सेल को भंग कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी लोगों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम्या ने जब से सोशल मीडिया संभाला है तब से कांग्रेस के सोशल मीडिया पर बदलाव देखने को मिला है। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना के लिए जानी जाती हैं। राम्या की टीम के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती ट्रोल और नकली समाचारों का सामना करना है। पिछले 3 महीनों में उन्होंने कई पेशेवरों की भर्ती कर अपनी टीम की ताकत को दोगुना किया है। अब इस बात से तो जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मुबारकबाद तो देना बनता है, क्योंकि जब से राम्या राहुल गांधी से जुड़ी है तब से शायद राहुल गांधी की जिंदगी में बदलाव हो गया है। कांग्रेस की नई सोशल मीडिया टीम की 85% सदस्य महिलाएं हैं। राम्या में जब पार्टी के डिजिटल वॉर रूम में पहली बार कदम रखा था तो केवल 3 महिलाएं थी। दिव्या दक्षिण भारत में राम्या के नाम से फेमस कन्नड़ अभिनेत्री हैं। यहां आपको बता दें कि राम्या पिछली लोकसभा में कर्नाटक में उपचुनाव जीतकर सांसद भी बनी थी, लेकिन 2014 में वे हार गईं। फिलहाल वो कांग्रेस का सोशल मीडिया कम्युनिकेशन देख रही हैं। SPNI न्यूज रोम की रिपोर्ट।